जहाँ प्यासी धरती की प्यास बुझी है, वहाँ ही सहरा का हुसन भी निखर आया है। मैं इस वक्त नगर पार्कर में मौजूद हूँ, जहाँ पर पहाड़ आप मेरे कब में देख सकते हैं कि सरसब्ज और शादाब नज़र आ रहे हैं, क्योंकि नगर पार्कर वो इलाका है जहाँ पर पहाड़ होते हैं और दीगर जो थर पार्कर के हिस्से वहाँ पर रेत के पहाड़ होते हैं, मगर यहाँ पर पत्थर के पहाड़ मौजूद हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं जब बरसातें नहीं होती तो ये बिल्कुल सूने नज़र आते हैं। और यहाँ पर जो बड़ी तादाद में सयाहों ने भी रुख कर लिया है। और यहाँ पर जो जैन धर्म के मंदिर हैं और दूसरे जो घूमने की जगहें हैं, जैसे गौड़ी मंदिर हो गया, कास्बो में कास्बो का मंदिर हो गया, उसके अलावा जो बोडेसर की मस्जिद होगी जो कि बादशाही मस्जिद कहलाती है, वहाँ पर भी बड़ी तादाद में सयाह घूमने के लिए आ रहे हैं। और नगर पार्कर का जिम्मे घूमने का सयाहों का ये सिलसिला जो है तीन से चार माह तक जारी रहेगा और पूरे मुल्क से जो है यहाँ पर सयाह घूमने के लिए आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त पहाड़ जो है सरसब्ज और शादाब नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि हम ये पहाड़ों को काट कर लीज़ पर दिया जा रहा है कि लीज़ पर दिया जाएगा, उसके लिए भी इसी वजह से जो थर पार्कर के लोग हैं वो जो है यहाँ पर एहतजाज भी कर रहे हैं। और दूसरी जानिब जो इन पहाड़ों से बहकर डैमों में पानी भरा है वो भी वाफर मकदार में मौजूद है, जो कि आइंदा जो है 6 से 7 माह तक जो है कैद की सूरत में भी यहाँ पर जो है पानी वाफर मकदार में मौजूद होगा, जिससे ना सिर्फ लोगों की प्यास बुझेगी बल्कि मवेशी भी वो अपने अच्छे से पाल सकेंगे और खेती बाड़ी भी कर सकेंगे।